लेक्चर सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस रूरल बैंकिंग दिसंबर 2022 रिकलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर। यानी दोस्तों दिसंबर 2022 में जो रूरल बैंकिंग की परीक्षा हुई थी उसमें क्या सवाल पूछे गए थे, आइए देखते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों रूरल बैंकिंग का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमनस है, तो इस पर्टिकुलर वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। कौन से कमेटी की रिस्पॉन्सिबल है कि वो पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करती है? सो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि कौन सी कमेटी पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करती है क्रेडिट पोर्टफोलियो का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भारत में। LDM, DRCC, टेक्निकल कमेटी, SLBC, क्रेडिट रिव्यू कमेटी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्रेडिट रिव्यू कमेटी। देखिए दोस्तों क्रेडिट रिव्यू कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीरियोडिक रिव्यू क्रेडिट पोर्टफोलियो कंडक्ट करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये क्वालिटी रिव्यू करती है क्रेडिट पोर्टफोलियो का, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। अब देखिए LDM का फुल फॉर्म क्या है, LDM है लैंड यूज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मॉडल, जो कि रिकमेंडेशन है जो कि गाडवेल कमेटी ने दिया था, ठीक है। फिर दोस्तों DRCC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल क्रेडिट सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को और रूरल एंटरप्रेन्योर को। टेक्निकल कमेटी दोस्तों बहुत सारी कमेटीज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। SLBC होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो आप एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन समझ रहे हैं। SLBC क्या होता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा हर एक स्टेट में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तेंदुलकर कमेटी के बारे में इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि मेथडोलॉजी कैसे आप प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं इसको रिव्यू करें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो कमेटी है इसने रिकमेंड किया एक नया प्रॉपर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तेंदुलकर का जो प्रॉपर्टी लाइन था वो प्रीवियस प्रॉपर्टी लाइन से हायर था। फोर्थ कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी को अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 2014 में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ई कि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट और पब्लिश 2014, ये गलत है। जरा देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों तेंदुलकर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि मेथोडोलॉजी को रिव्यू कर सके फॉर मेजरिंग प्रॉपर्टी इन द कंट्री। कमेटी को अपॉइंट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ गलत है, क्योंकि इसको कमेटी को प्लानिंग कमीशन ने इस्टेब्लिश किया था। कमेटी ने रिकमेंड किया था दोस्तों नया प्रॉपर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तो कहने का मतलब कि ABC ऑप्शन करेक्ट है, डी और ई दोनों गलत है। चलिए उसके बाद दोस्तों, क्योंकि ये रिपोर्ट 2005 में आया था और इसको अपॉइंट किया गया था, ये कमेटी अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे अपॉइंटमेंट नहीं किया था। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कमेटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेटी को जरूर देखे जाइए दोस्तों। अच्छा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है आपका कि वाट इज डिस्ट्रेस वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। बी कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एसेट इन अ हेल्दी मार्केट सिचुएशन। सी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट इन अ स्टेबल मार्केट सिचुएशन। डी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट एट एनी टाइम ऑफ परचेज। दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू किसी एसेट का जो कि रियलाइज होगा डिस्ट्रेस सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, फोरक्लोजर। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एसेट जो है अपने फेयर मार्केट वैल्यू को फेचअप नहीं कर पाएगा और जो एक्चुअल वैल्यू रियलाइज होगा बहुत कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एसेट का जो सेल होगा वो फोर्स्ड होगा और सेलर के पास लिटिल बार्गेनिंग पावर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेट इन अ हेल्दी मार्केट कंडीशन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों ये पीक वैल्यू बताया जा रहा है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ एसेट इन अ स्टेबल मार्केट सिचुएशन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों ये रेफर कर रहा है वैल्यू ऑफ एन एसेट इन अ नॉर्मल और नॉन डिस्ट्रेस सिचुएशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी डू नॉट हैव अ कमोडिटी बोर्ड इन इंडिया। सो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर करता हूँ हमारे MCQs का। हमारे चैनल पे दोस्तों रूरल बैंकिंग के हर एक यूनिट के टॉप कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ये देखिए MCQ का PDF है, इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 118 पेजेस हैं और प्रत्येक पेज में 1 से 2 MCQs हैं, यानी ओवरऑल आपको 200 से 250 MCQ मिलेगा एक यूनिट पे, जो कि सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा ताकि अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को आप ओरिएंट कर सकें। दोस्तों यदि आपको इस तरह की थ्योरी PDF चाहिए, MCQs PDF चाहिए, तो आप अवेल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ रूरल बैंकिंग एज द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से कमोडिटी का कमोडिटी बोर्ड नहीं है, टी, कॉफी, रबर, स्पाइस। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पाइस। देखिए, कमोडिटी बोर्ड स्टेटरी बॉडी होती है जो कि सरकार के द्वारा सेटअप किया जाता है ताकि रेगुलेट कर सके और प्रमोट कर सके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो टी, कॉफी और रबर जो तीन मेजर कमोडिटी है भारत में, इनका कमोडिटी बोर्ड है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों कोई कमोडिटी बोर्ड नहीं है स्पाइस के द्वारा। स्पाइस एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी है कंट्री में, लेकिन दोस्तों रेगुलेट किया जा रहा है दूसरे बॉडीज के द्वारा, जैसे स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी APED है। सो देखिए, ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है एक चीज़ों को, तो वही मैं आज आपको क्विक रिविजन के माध्यम से इस दोस्तों क्वेश्चन बैंक के माध्यम से समझा रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कॉर स्कीम के बारे में इनकरेक्ट है। पहला है कि कॉर बोर्ड ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करते हैं कॉर स्कीम को ताकि प्रमोट कर सके कॉर इंडस्ट्री इन द कंट्री। दूसरा है कि ये स्कीम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एंटरप्रेनर फॉर सेटिंग अप न्यू कॉर यूनिट एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग यूनिट। सी कर रहा है कि द स्कीम ऑफर सब्सिडीज ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। डी कर रहा है कि मैक्सिमम एडवांस लिमिट जो है स्कीम के अंदर वो 10 लाख का है। ई कह रहा है कि ये स्कीम का मेन एम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे रूरल इंडिया में। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि मैक्सिमम एडवांस जो लिमिट है ये गलत है दोस्तों, इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए, कॉर स्कीम एक सरकार का स्कीम है जो कि इसका एम है कि कॉर इंडस्ट्री को प्रमोट करें। कॉर बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होती है इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को। दोस्तों ये स्कीम प्रोवाइड करता है सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ABC और ई तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो मैक्सिमम एडवांस लिमिट कॉर स्कीम के अंदर है वो 50 लाख है, 10 लाख नहीं है। ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को मार्जिन मनी के फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के फॉर्म में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी जो कि एडवांस किया जाता है स्कीम के अंदर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होगा, मैक्सिमम 50 लाख होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। FIAS का क्या फुल फॉर्म है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन एंड सुपरविजन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट असेसमेंट एंड सर्विलेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस सर्विस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एसेट सिक्योरिटी। बताइए FIAS का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस, यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। FIAS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी असेसमेंट एंड सर्विलेंस, जो कि एक इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताकि स्ट्रेंथन कर सके सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, यानी NBFCs के सुपरविजन और रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। FIAS प्रोग्राम का एम यह है कि हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन ऑफ NBFC को इम्प्रूव करें और इंश्योर करें कि वो प्रोडेंशियल नॉर्म से कंप्लाई करेगा। दोस्तों और भी देखिए फाइनेंशियल नेक्स्ट क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FI टीयर 1 कैपिटल क्या होता है और कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अलाउड अंडर बैसल 3 फ्रेमवर्क फॉर इंडियन बैंक। पहला ऑप्शन कह रहा है कि FI टीयर 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल आता है और डिस्क्लोज रिजर्व आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 50% अलाउड है। बी कह रहा है कि FI टीयर 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 20% अलाउड है। सी कह रहा है कि FI टीयर 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और सबॉर्डिनेट डेट आता है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25% अलाउड है। और डी कह रहा है दोस्तों FI टीयर 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल या दूसरे इनोवेटिव कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 30% है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि FI टीयर 1 कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल और नॉन कम्युनिटी परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर आता है और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 20% है। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एंटिटी में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिपोर्ट करते हैं, कौन सी एंटिटी को LDM रिपोर्ट करते हैं, HLCC, SBI, RBI, NABARD। सही जवाब है दोस्तों HLCC, यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी DLBC को रिपोर्ट करते हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं SLBC को, जो कि रिपोर्ट करते हैं हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को। तो ये ऑर्डर होता है, समझे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो DLBC के पास जाते हैं, DLBC जो है SLBC के पास और SLBC जो है HLCC के पास। तो आप देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन है आप इसको पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड सिल्क है और एक सिल्क का कल्टिवेटेड वैरायटी नहीं है, तुसार, मलबेरी, एरी, मूंगा। तो आपने सिल्क के बारे में पढ़ा होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, मूंगा। देखिए सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि कोकून के द्वारा ऑप्टेन किया जाता है सर्टेन सिल्क फार्म से। चार मेजर टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होते हैं भारत में, मलबेरी, तुसार, एरी और मूंगा। मलबेरी सिल्क मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस सिल्क है और ऑप्टेन किया जाता है डोमेस्टिकेटेड सिल्क फार्म बॉम्बिक्स मोरी के कोकून से, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, मीटिंग, सेविंग, लोन, रिकवरी, नन। दोस्तों सही जवाब है इसका ई, नन। दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फॉर्मल ग्रुप होता है 10 से 20 लोगों का, इसमें सेव मनी सेव किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्डअप किया जाता है, क्रेडिट एक्सेस किया जाता है। तो मीटिंग करेक्ट है, सेविंग करेक्ट है क्योंकि SHG का प्राइमरी फोकस होता है कि अपने मेंबर को इनकरेज करें कि पैसा सेव करें। लोन भी करेक्ट है क्योंकि SHG क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं मेंबर को। रिकवरी भी करेक्ट है क्योंकि SHG का हाई रेट ऑफ लोन रिकवरी होता है। फिर दोस्तों ई, नन ऑफ स्टेटमेंट ये सही है यहाँ पे। चलिए तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए सिल्क के बारे में देख लीजिए, तुसार सिल्क को वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है, फिर एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क कहा जाता है, मुगा सिल्क को गोल्डन सिल्क कहा जाता है,
ठीक है। तो वाइल्ड सिल्क में आपका हो जाएगा तुसार सिल्क। अब एक्चुअली मेरे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, गलती से डी लिखा गया है, प्लीज़ करेक्ट इट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि टारगेट अप्रोच किस सेक्टर के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, एमएसएमई के लिए, सीकेसीसी के लिए, यानी केसीसी के लिए और नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है कि टारगेट अप्रोच प्राइमरली है एमएसएमई के लिए। तो टारगेट अप्रोच एक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा ताकि इंश्योर करे कि क्रेडिट फ्लो जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो दोस्तों एमएसएमई की फोकस एरिया है टारगेट अप्रोच के अंदर, बैंक को कुछ 13% ऑफ टोटल एडवांस एमएसएमई को लैंड करना होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरह एक तरह का बैंक एडवांस है जो कि कंसीडर किया जाता है विदाउट रिस्क, डायरेक्ट एडवांस, गवर्नमेंट स्कीम एडवांस, एसएचजी एडवांस, नॉन ऑफ द। सही जवाब है दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम एडवांस, ये तरह का बैंक एडवांस है जिसको माना जाता है बिना किसी रिस्क का। और यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर, एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हैव बीन प्रोवाइडेड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि आपको बुक का कंटेंट नहीं पढ़ना पड़े, आप यहीं से कंटेंट समझ लें। दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या एलिजिबिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए अंडर पीएमजेडीवाई स्कीम, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आपको ओडी लिमिट चाहिए तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है कि अकाउंट के पास एक्टिव अकाउंट होना चाहिए 6 महीने के लिए, अकाउंट का बैलेंस कम से कम 10,000 होना चाहिए अकाउंट में, अकाउंट होल्डर जो है सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री हो, अकाउंट होल्डर इंश्योरेंस स्कीम में इनरोल हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि देखिए ओडी स्कीम के लिए 6 महीना कम से कम आपका एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए पीएमजेडीवाई यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं, प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए किसी और फॉर्म में तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में डिटेल यहाँ दी गई है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेडिकल स्कीम है जिसका एम है कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया में, भारत के रूरल एरिया में, एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आरएसएचएम यानी राष्ट्रीय सुरक्षा हेल्थ मिशन, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नॉन ऑफ द। दोस्तों इसका सही जवाब है कि हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक मेडिकल स्कीम है जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, काइंडली गो थ्रू दिस स्लाइड्स, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू आस्क। आरएसएचएम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेल्थ मिशन। दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है, टू फैसिनेट सिटीजन्स चिल्ड्रंस अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, टू ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्यूनाइजेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिली विद चिल्ड्रन इन मेडिकल केयर। सही जवाब है दोस्तों इंद्रधनुष प्रोग्राम का मेन एम है कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करना अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिटेल जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2014 में स्कीम लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर और माइनर इरिगेशन के बीच डिफरेंस क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मेजर इरिगेशन का मतलब इरिगेशन स्कीम जहाँ पे कॉमन एरिया 10,000 हेक्टेयर से ऊपर है, जबकि माइनर इरिगेशन का कॉमन एरिया 10,000 हेक्टेयर से कम है। मेजर इरिगेशन का सरफेस इरिगेशन सिस्टम होता है, माइनर इरिगेशन ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है। मेजर इरिगेशन गवर्नमेंट मैनेज इरिगेशन स्कीम के अंदर होता है, जबकि माइनर इरिगेशन दोस्तों प्राइवेटली मैनेज स्कीम के अंदर होता है। मेजर इरिगेशन बेसिकली स्कीम होता है जो कि इंडायरेक्टली गवर्नमेंट फंड करती है, जबकि माइनर इरिगेशन स्कीम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजर इरिगेशन दोस्तों मतलब इरिगेशन स्कीम है जिसका कॉमन एरिया 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, जबकि माइनर इरिगेशन स्कीम का कॉमन एरिया 10,000 हेक्टेयर से भी कम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा जब भी आप एसडीआई को कैलकुलेट करेंगे। एसडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन एरिया ऑफ स्कूलिंग, इनकम इनइक्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव। तो एसडीआई एक मेजर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसमें 3 डायमेंशन को ध्यान रखा जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। तो 3 इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है दोस्तों, करने का मतलब कि हेल्थ भी देखना है आपको, इनकम भी देखना है और एजुकेशन भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, डेप्रिसिएशन इंडेक्स एक टूल होता है जिसे आप लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन मेजर कर सकते हैं किस एरिया में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन इंडेक्स एक टूल होता है दोस्तों, ये सभी चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाए हैं, इन आवर वीडियो लेक्चर एंड इन आवर पीडीएफ ऑल्सो ऑल दिस थिंग हैव बीन गिवन, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पीडीएफ। तो फॉर्मली टेल यू कैन व्हाट्सएप मी नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। सो डेप्रिसिएशन इंडेक्स एक टूल होता है जिसको यूज किया जाता है कि लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन को मेजर करने के लिए अलग अलग एरिया में। ये इंडेक्स दोस्तों रेंज ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिक इंडिकेटर जिसको यूज करते हैं डेप्रिसिएशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और स्टडी के गोल पे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर को यूज किया जाता है ताकि आप ईएमआई प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकें लोन रिपेमेंट में, इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी ईएमआई का मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको यहाँ पे पीएक्स फैक्टर, दोस्तों पीएस फैक्टर के बारे में पूछा गया था कि पीएस फैक्टर एक मेजर होता है बॉरोअर की एबिलिटी को कि वो लोन को रिपे करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस पीएस फैक्टर, पीएक्स फैक्टर क्वेश्चन वाज आस्क्ड,
पीएस फैक्टर किससे से रिलेटेड है, याद रखिएगा ईएमआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को कि वो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करे और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करे एक्टिविटीज भारत में। एनआरएलएम, आरआईडीएफ, एसएफएमसी, पीआरआईसी, नबार्ड। देखो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, आरआईडीएफ। ठीक है, तो नबार्ड ने दोस्तों, नबार्ड एक डेवलपमेंट डीएफआई है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है, दूसरे फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो एक की फंक्शन है नबार्ड का कि रिफाइनेंस, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है जो कि रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन का सेट। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास 200 क्वेश्चन का सेट है। हमारे पास दोस्तों पिछले तीन साल का रूरल बैंकिंग का पेपर का कलेक्शन है। मैं आपको वीडियोज वाइज लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं दोस्तों इस तरह के वीडियोज को, तो काइंडली लाइक द लेक्चर, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस वी वॉन्ट सच टाइप ऑफ वीडियोज, देन आई विल प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ वीडियोज। इफ यू वॉन्ट स्टडी मटेरियल फॉर रूरल बैंकिंग, काइंडली व्हाट्सएप मी नंबर सोन ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी पीडीएफ एज वेल एज एमसीक्यू पीडीएफ। थैंक यू।